वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। मेरा नाम तलवीर सिंह है और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से मूव ऑन हो। आज हम जनरल अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक रीसेंट स्कीम या एक रीसेंट प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से लॉन्च हुआ है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है इससे आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन भी कवर होगा, इससे आपका हायर एजुकेशन का पोर्शन भी कवर होगा, इससे आपका ICT का पोर्शन भी कवर होगा। तो ये मत समझिए कि सिर्फ मैं जनरल अवेयरनेस पर अभी ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, ये ज़्यादा लेक्चर नहीं है, ये उन टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। मतलब ये समझ लीजिए आपका हायर एजुकेशन भी कवर हो रहा है, साथ में आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या, NCAP। पहले तो आपने फुल फॉर्म है इसकी याद रखनी है, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, मतलब हवा को साफ करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में, जो एयर पोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये सिस्टम है, ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन अप्रैल 17, 2018 रिलीज्ड अ ड्राफ्ट ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, मतलब इसका एक ड्राफ्ट लॉन्च किया है। मतलब ड्राफ्ट तो आप समझते हो कि एक मतलब एक प्रपोज सिस्टम लॉन्च किया है, और MOEFCC ये इसकी एब्रीवेशन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्लीज़ इस लेक्चर में जितनी भी एब्रीवेशन आएंगी उसको भी साथ साथ में नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पेपर में एब्रीवेशन भी पूछी जाती हैं। तो कब लॉन्च हुआ है, 17 अप्रैल 2018 को, और इसका नाम क्या है, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। द मिनिस्ट्री हैज़ पुट अप द ड्राफ्ट ऑन वेबसाइट एंड इनवाइट्स कमेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर बाय मई 17, 2018। मतलब इन्होंने ये जो ड्राफ्ट है वो अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है, और इसके स्टेक होल्डर मतलब जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उससे कमेंट्स मांगे हैं कि इसके बारे में आप अपने व्यूज़ दीजिए, इसमें क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, या कुछ आप एडिशन करना चाहते हो, तो वो कहाँ कब तक दे सकते हो, मई 17, 2018 तक। आप भी इसमें अपनी हैं जो रिकमेंडेशंस हैं, अपने व्यूज़ हैं, वो दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके। ठीक है, तो ये आई होप कि इसकी जो इंट्रो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि NCAP है क्या। तो NCAP क्या है, एक नेशनल एक्शन प्लान है। जैसे गंगा का हम एक्शन प्लान था, गंगा क्लीन गंगा एक्शन प्लान था, वैसे ही अब जो ये प्लान है वो आया है, किसके लिए है, जिसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब ये टोटली एयर पोल्यूशन को हटाने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है, इसको ड्राफ्ट किया गया है। इम्प्लीमेंट कब होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, बट हाँ ये ड्राफ्ट हो चुका है और इसके लिए रिकमेंडेशंस हैं वो मांगी जा रही हैं। तो ये क्या है, एक नेशनल एक्शन प्लान है जिसका मेन पर्पस है कि हमने अपनी जो हवा है, हमारी इन्वायरमेंट में जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है। अब इसके कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं, हाईलाइट्स ऑफ नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम। NCAP एम टू एनहांस एंड डेवलप एन इफेक्टिव एंड प्रोफिशिएंट नेटवर्क टू मॉनिटर द एम्बियंट एयर क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री फॉर अ कॉम्प्रिहेंशन एंड रिलायबल डाटाबेस। तो सबसे पहले इन्होंने क्या, एक प्रोफिशिएंट नेटवर्क बनाना है जिससे कि ये क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट का एम्बियंट एयर क्वालिटी, मतलब जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है जिससे हम घिरे हुए हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी एयर है उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें कितनी मतलब डस्ट है, कितनी वो साफ़ सुथरी है, वो सारी चीज़ों के बारे में एक नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे उसको चेक किया जाएगा, प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। द प्लान कॉल्स फॉर एन एफिशिएंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक आउटरीच मैकेनिज्म फॉर टाइमली मेजर्स टू प्रिवेंट एंड मिटिगेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब इसमें क्या कहा है कि एक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एफिशिएंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक आउटरीच मैकेनिज्म बनाया है ताकि टाइमली हम मेजर्स ले सकें इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, और अगर कुछ प्रिवेंटिव एक्शन हमें लेने पड़ रहे हैं तो उसको मैयर कैसे करना है, टाइम पे मैयर कर सकें। इट आल्सो एम्स टू हैव अ फिजिबल मैनेजमेंट प्लान फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो
तो बेसिकली देखिए सारा कुछ एयर पोल्यूशन के रिलेटेड ही है कि एयर पोल्यूशन को कम करना है और अपन हमारी जो एयर है उसको क्लीन करना है, ताकि जितनी भी जो डिजीजेज आती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से उनको रिड्यूस किया जाए। NCPA डिटेल्स अ होस्ट ऑफ मैयर्स टू ब्रिंग डाउन द एयर पोल्यूशन। अब मतलब NCAP ने क्या क्या मैयर्स दिए हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स लेंगी जिससे वो कि हमारे जो कंट्री की इन्वायरमेंट जो एयर पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम सॉरी नेटवर्क, ये हमने मैं आपको बता चुका हूँ कि एक नेटवर्क है नेशनल लेवल पे बनाया जाएगा जो इसको चेक करेगा। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब वेरियस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो हो सकता है फ़ौरन से भी यूज़ की जाए, ताकि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो कर सके, मतलब जब चीज़ अकर हो रही है ऑन द स्पॉट उस चीज़ को मैयर किया जा सके। सेटिंग अप ऑफ 10 सिटी सुपर नेटवर्क, देश के 10 सिटीज़ में ये सुपर नेटवर्क है वो इंस्टॉल किया जाएगा। इंडोर एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, इसके साथ आउटडोर के साथ इंडोर पोल्यूशन जो मॉनिटर करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा। एयर पोल्यूशन हेल्थ इम्पैक्ट स्टडीज़, मतलब एयर पोल्यूशन से हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होते हैं उस पर स्टडीज़ की जाएंगी। एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम, एयर की क्वालिटी को फोरकास्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन ऑन डस्ट मैनेजमेंट, जो डस्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में जो नोटिफिकेशन हैं वो इशू की जाएगी। 3-टायर मैकेनिज्म, मतलब 3 लेवल पे ये काम करेगी फॉर रिव्यू असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन, मतलब पहले रिव्यू किया जाएगा फिर असेस किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा इंस्पेक्ट किया जाएगा। इस तरह से 3-टायर सिस्टम है वो इसमें क्या किया जाएगा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेशनल एमिशन इन्वेंट्री, ये भी एक सिस्टम इसके अंडर बनाया जाएगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि इसमें एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए सारा सिस्टम है वो ड्राफ्ट किया गया है। लास्ट में बात करते हैं कि इसमें कुछ लैकिंग्स भी हैं। लैकिंग्स कैसे हैं, दिस न्यू प्लान लैक्स द मेंशन ऑफ टारगेट, मतलब इसने कुछ टारगेट फिक्स नहीं किया, मतलब इसने सिर्फ ड्राफ्ट बना दिया बट इसको कब इम्प्लीमेंट करना है, कितनी देर में कितना एयर पोल्यूशन रिड्यूस करना है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्योंकि इससे पहले क्या था, रिडक्शन ऑफ 35% इन द 3 ईयर्स और 50% इन द 5 ईयर्स, मतलब ये जो इससे पहले इन्होंने रिपोर्ट दी थी नेशनल जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, इस प्रोग्राम से पहले उन्होंने बताया था कि अगले 3 साल में 35% और 5 साल में 50% तक एयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, बट इस सिस्टम में इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अर्लियर द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अनाउंस दैट इट होप्स टू ब्रिंग डाउन एयर पोल्यूशन इन अराउंड 100 नॉन अटेनमेंट सिटीज बाई 50% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स अंडर द NCAP, मतलब इससे पहले जब इन्होंने NCAP को इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में बताया था तो तब बोला था कि जो 100 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं वहाँ पर 50% तक जो जो एयर पोल्यूशन है उसको कम किया जाएगा। अब बात करते हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी होती हैं। आर दोज विच हैव एयर क्वालिटी वर्स देन द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये एब्रीवेशन है इसको याद रखिएगा, NAAQS, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसके अंडर हमने कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं, एयर में कितना पोल्यूशन होना हो सकता है या कुछ उसके कुछ जो भी पैरामीटर सेट किए हुए हैं। तो 100 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये बहुत लो है, मतलब जो स्टैंडर्ड चाहिए उससे बहुत लो है, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उसमें उसमें रिड्यूस करने के लिए 50% तक जो पहले बात की गई थी, बट इसमें कोई भी ऐसा टारगेट है वो फिक्स नहीं किया गया। तो ये कल परसों ही लॉन्च हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने रिसेंटली था क्योंकि इससे आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन भी कवर हो गया है और आपका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो भी कवर हो गया है। इसके नोट्स हैं वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव से, वो आप इसको डाउनलोड कर सकें ताकि पेपर के नज़दीक जाके आप इसको रिवाइज कर सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।